हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम है प्रशांत पराशर और ग्लिटर एंड फटे की एक नई वीडियो में आपका स्वागत है। और आज की इस वीडियो में मैं आपके लिए लेके आऊं कैरो का एक एक ग्रेन मॉइस्चर मीटर जिसका मॉडल है AR991। ये 13 डिफरेंट टाइप के ग्रेन्स के मॉइस्चर को मेजर करने के काम आता है। इसके अंदर एक बैकलिट LCD डिस्प्ले है। इसमें वॉइस प्रॉम्प्ट के लिए एक स्पीकर भी दिया हुआ है। हाई प्रिसीजन के लिए इसके अंदर 2 स्टेनलेस स्टील की प्रॉब्स हैं और इसके अंदर अर्गोनॉमिकली डिजाइन नॉन स्लिप हैंडल है। तो बताऊंगा इस वीडियो में इसके बारे में, करूंगा इसकी अनबॉक्सिंग। तो चलिए करते हैं कुछ टेक की बात ग्लिटर्स इन्फोटेक के साथ। तो ये है एक रिटेल पैकिंग कैरो के ग्रेन मॉइस्चर मीटर की जिसका मॉडल है AR991 और ये बहुत ही सुंदर ग्लॉस फिनिश के अंदर पैकिंग है। इसके फ्रंट में प्रोडक्ट की फोटोग्राफ है और एक स्टिकर लगा हुआ है जिसके ऊपर कैरो की ब्रांडिंग है। और ये हमें बताते हैं कि इसके अंदर एक स्मार्ट सेंसर ग्रेन मॉइस्चर मीटर है जो कि मल्टीपल पर्पज के ग्रेन्स के मॉइस्चर को कैलकुलेट करता है और ये 7.5 से लेके 55 मॉइस्चर तक कैलकुलेट करता है और इसकी रिजोल्यूशन 0.1% है। और इसका MRP 5,500 रुपये है, मगर ऑनलाइन ये 3,500 रुपये के प्राइस रेंज के साथ आपको मिलेगा। और अगर आप इसको परचेज करने की सोच रही हैं तो इसका जो बेस्ट बाय लिंक है वो नीचे डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, जहाँ पे क्लिक करके आप इसको बहुत ही सस्ते प्राइस में परचेज कर सकते हैं। और आगे बढ़ने से पहले, अगर आपने अभी तक यूट्यूब के ऊपर ग्लिटर एंड फटे चैनल को नहीं सब्सक्राइब करा तो अभी सब्सक्राइब करें ऐसी ही टेक्नोलॉजी और गैजेट से रिलेटेड वीडियोस रेगुलर देखने के लिए। इस बॉक्स के अंदर एक यूजर गाइड मिलती है जो कि कंप्लीटली इंग्लिश के अंदर है और एक मिलता है इसका मेन यूनिट जो कि है कैरो का ग्रेन मॉइस्चर मीटर जिसका मॉडल है AR991। तो सबसे पहले इसकी बिल्ड क्वालिटी की बात करी जाए तो काफी ज्यादा ड्यूरेबल और स्ट्रॉन्ग प्लास्टिक से बना हुआ है। इसके नीचे इसका हैंडल है जो कि एर्गोनॉमिकली डिजाइंड है और नॉन स्लिप हैंडल है और बहुत इजीली हाथ के अंदर फिट हो जाता है। और इसके ऊपर एक डिस्प्ले दिया हुआ है, ये एक बैकलिट LCD डिस्प्ले है। इसके नीचे 5 अलग अलग बटन दिए हुए हैं, एक ऑन ऑफ का बटन है, एक एडजस्टमेंट के लिए है, एक इसकी लिमिट सेट करने के लिए बटन है, एक वैरायटी सेलेक्ट करने के लिए बटन है और एक वॉइस प्रॉम्प्ट को सेट करने के लिए बटन दिया हुआ है। और इसके ऊपर ये 2 स्टेनलेस स्टील के प्रॉब्स दिए हुए हैं मॉइस्चर को मेजर करने के लिए और इसके ऊपर एक कैप लगी हुई है जिसको हटाकर मॉइस्चर को मेजर किया जाएगा। और इसकी बैक साइड में एक स्पीकर लगा हुआ है वॉइस प्रॉम्प्ट के लिए। इसके नीचे एक स्टिकर लगा हुआ है जिसके ऊपर कंपनी के कस्टमर केयर की डिटेल दी हुई है। और इसके नीचे एक बैटरी कंपार्टमेंट है जिसके अंदर 4 AA की बैटरीज लगती है और ये बैटरीज इसके साथ ही आई थी, हमें अलग से परचेज करने की रिक्वायरमेंट नहीं है। और इसके नीचे एक थ्रेड है इसको इजीली कैरी करने के लिए। इसके अंदर जो डिस्प्ले लगी हुई है ये एक बैकलिट LCD डिस्प्ले है, तो अंधेरे में या फिर लो लाइट में भी इसके थ्रू मॉइस्चर मेजर करते टाइम इसकी रीडिंग काफी ज्यादा विजिबल रहेगी। इसके अंदर ये 2 स्टेनलेस स्टील की प्रॉब्स दी हुई है जिसकी वजह से इसका रिजल्ट काफी ज्यादा प्रिसाइज रहता है। और इसके नीचे के हैंडल का डिजाइन एक नॉन स्लिप डिजाइन है जो कि हाथ में बड़े इजीली फिट हो जाता है और उसके बाद स्लिप नहीं होता। इसको पावर देने के लिए कोई भी एक्सटर्नल पावर सोर्स की रिक्वायरमेंट नहीं है, ये AA बैटरीज पे काम करता है तो ये काफी ज्यादा पोर्टेबल भी है। तो अब एक बार इसको ऑन करके आपको इसका एक डेमो देता हूं। तो ये जो मॉइस्चर मीटर है इसको यूज करने के लिए इसकी प्रॉप के ऊपर ये जो कैप दी हुई है सबसे पहले इसको रिमूव करना है और ये रिमूव करने के बाद अब इस मशीन को ऑन करना है। तो ऑन करने के लिए अगर इस बटन को हम प्रेस करेंगे हल्का सा तो ये ऑन नहीं होगा, इसको 2 सेकंड के लिए प्रेस करके रखना पड़ेगा। और ये ऑन होने के बाद इसकी डिस्प्ले भी ऑन हो जाती है और ये वॉइस प्रॉम्प्ट भी करता है ऑन का। और इसमें अलग अलग टाइप के ग्रेन्स दिए हुए हैं, इसमें से जिस भी ग्रेन का मॉइस्चर मेजर करना है उसको सेलेक्ट करना पड़ेगा इस वराइटीज़ वाले बटन को प्रेस करके और उसके बाद ये ओके के लिए ऑन वाला बटन प्रेस करना है और इसके बाद ये उस ग्रेन के अंदर डालना है और इसका मॉइस्चर इसके अंदर आ जाएगा। तो अब इसके थ्रू मॉइस्चर मेजर करने के लिए मेरे पास एक सोयाबीन की दाल है और इसका मॉइस्चर मेजर करने के लिए सबसे पहले P11 सोयाबीन वाले ऑप्शन पे आना है। तो अभी P11 में आने के बाद ये ओके प्रेस करना है और ओके प्रेस करने के बाद अब इसको इसके अंदर डालना है। फिर निकालते हैं और डालते हैं, फिर एक बार ही निकालते हैं और दोबारा डालते हैं। तो
अभी आपने देखा कि ये जो मॉइस्चर मीटर है काफी क्विकली रीडिंग प्रोवाइड करता है। इसकी रीडिंग को और ज्यादा प्रिसाइज करने के लिए इसके अंदर दो स्टेनलेस स्टील की प्रॉब्स हैं। ये 4 AA बैटरीज पे वर्क करता है। इसके अंदर बैकलिट LCD डिस्प्ले है और अलग अलग ग्रेन्स के मॉइस्चर को मेजर करने के लिए इसके अंदर अलग अलग ऑप्शंस भी हुए हैं। तो इतने सारे फीचर्स होने के बाद भी ये मॉइस्चर मीटर सिर्फ 3500 रुपए के प्राइस रेंज के साथ आपको मिलता है। और अगर आप इसको परचेज करने की सोच रहे हैं तो इसका जो बेस्ट बाय लिंक है वो नीचे डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, जहां पे क्लिक करके आप इसको बहुत ही सस्ते प्राइस में परचेज कर सकते हैं। तो ये थी कैरो के इस ग्रेन मॉइस्चर मीटर की एक वीडियो, और मैं ऐसी ही टेक्नोलॉजी और गैजेट से रिलेटेड वीडियोस रेगुलर बनाता रहता हूं। अगर आप भी चाहते हैं ऐसी वीडियोस रेगुलर देखना तो YouTube के ऊपर ग्लिटर फुट चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें और बेल आइकन प्रेस करके ऑल दबाएं, ताकि मेरी बनाई वीडियोस की सभी नोटिफिकेशंस मिले आपको सबसे पहले और आप मेरी कोई भी वीडियो मिस ना करें। फिर मिलूंगा आपको एक नई वीडियो में नई इंफॉर्मेशन या नई गैजेट के साथ। तब तक के लिए गुड बाय, टेक केयर, जय हिंद, जय भारत।